हेलो एवरीवन मैं विवेक सिंह आप सभी का हार्दिक अभिनंदन इस्तेमाल करते हुए आप सभी का आपके अपने परिवार सुपर कोचिंग बिहार बिहारवाई टेस्ट बुक पर स्वागत करता हूँ तो कैसे हैं आप सभी और एक बार जरा सर क्या जुड़ जाएंगे सभी लोग है ना चलो फटाफट -फड़ जुड़ जाएंगे सभी लोग चलिए बढ़िया बढ़िया है बेहतर है शानदार है शानदार 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 है ना चलो वेलकम माई फ्रेंड वेलकम 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 है सभी का है आप आए हमारी क्लास में तो वेलकम है सभी का है ना स्वागतम चलिए भैया तनिक तो तेज तेज चलिए चलिए आइए सर आइए दोस्त दो मिनट का समझना मुझे क्योंकि आई थिंक मैंने अपने स्पेक्स बाहर छोड़ दिए हैं तो दो मिनट का समय दो बस दो मिनट दो मिनट तो हेलो एंड वेलकम आप सभी का कर स्वागत करता हूँ दोस्त बहुत बढ़िया आपका नाम नहीं लेते दिया सुमन कुमारी अरे गुड़िया तुम्हारा नाम ले लिए लो भाई ऐसा कुछ नहीं कि मैं किसी को इग्नोर उग्नोर करता हूँ ऐसा नहीं है बस आप मेरे अपने हो और बस छूट जाते हो आप थोड़ा पीछे ऐसा आप लोगों से सर क्या ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप लोगों से कोई नफरत सी हो या कुछ भी हो आप लोगों से ऐसा नहीं है दोस्त आप सभी मेरे अपने हो और सभी सर क्या साथ देते हो मेरा दोस्त सबसे पहले मेरे साथ खड़े हो चाहे कैसे भी कंडीशन हो यू स्टैंड विद मी इससे ज्यादा मुझे क्या ही चाहिए है ना तो एक बार सर क्या शिक्षा को शेयर कर दिया जाए दोस्तों के बीच और बस फटाफट फटाफट जुड़ जाएंगे सभी लोग है ना बढ़िया बढ़िया स्वागत है सभी का सो हेलो एंड वेलकम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन इसकबाल करते हुए मैं विवेक सिंह आपका आपके परिवार सुपर कोचिंग बिहार टेस्टबुक पर स्वागत करता हूं तो कैसे हैं आप सभी क्या है हालचाल सभी के बहुत ही शानदार 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 चलिए

पढ़ाएंगे वही जो परीक्षा में आएगा इस बात को आप याद रखिएगा और देखो आप सभी महा डिस्काउंट सेल चालू हो रखी है सर तो देखो जो बच्चे सर क्या तैयारी करना चाहते हैं तो बिहार सेल का क्रैश कोर्स मात्र दो सौ रुपए में है जाके विवेक के कूपन कोड लगा के ले लीजिए सर क्या अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी करना चाहते तो कम्प्लीट कोर्स आपको दो सौ रुपए में जाके ले सकते हैं आप वहीं पर बिहार सिविल कोर्ट की भी कम्प्लीट बैच आपको दो सौ रुपए में तो आप जाके ले सकते हैं विवेक के कूपन कोड लगा और देखो सर पहला क्वेश्चन निकल जाता है क्या तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में सकते हैं क्या कहलाता है? बताओ सर क्या कहा जाएगा बढ़िया इस स्पर्श खुश रहिए खुश रहिए गुड आ, गुड इवनिंग सर जी गुड इवनिंग सर जी हर हर महादेव तोम पार्वते पते नम हर हर महादेव हर हर महादेव बेटा तो देखो क्या कह रहा है सर देखो क्या कह रहा है कि कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है वो क्या कहलाता है सर वो डिस्क है वो चिप है वो चुंबकीय है या इनमें से कोई सिंपल सिंपल सवाल है बना देने की कोशिश कर सर बन जाएगा आसान सवाल है तुरंत बन जाएगा बताओ सर आसान सा सवाल है तुरंत 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 बन जाएगा बताओ सर क्या कह रहा है बढ़िया 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 तो आंसर विल भी सर क्या चिप 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 है ना सर जो चिप होता है चिप क्या करता है सर चिप याद रखोगे वह क्या करता है तो वह डेटा को स्टोर करने का कार्य करता है

दीपक सिंह बड़ी बड़ी मार मराएगा रे, बड़ी मार मराए, रे सर देखो लेकिन यहाँ पे सर क्या, पहले लिख दिया है और उसका हाफ क्या हो जाएगा तो याद रखोगे सर क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस याद रखोगे और अगर यहीं पर लिखा होता ये क्या सर अगर यहीं पर लिखा होता सी ओ फोर डॉट टू एच टू हो तो ये क्या कहा जाता है दोस्तों इसे कहा जाता आपका तो जिप्सम कहा जाता क्या कहा जाता सर क्या? तो की की को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है ये वही जिप्सम है याद रखिएगा नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कहता है कि मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार से पहचानते हैं हाउ डू मेंबर्स ऑफ बी फैमिली देखो जो बी फैमिली के मेंबर्स है वो एक दूसरे को अजी कैसे पहचानते हैं कैसे पहचानते हैं बताइए दोस्त कैसे पहचानते सुबह संध्या गुरुजी टेक्स स्वागत है वो भाई बढ़िया आज एग्जाम में भी आया था ये कौन सा एग्जाम में भाई कौन से एग्जाम में आया था और देखो देखो दोस्त जो पढ़ाया जाएगा ना उससे बाहर घंटा कुछ नहीं आएगा याद रखना तुम इंडिया में किसी लेवल का पेपर दे दो तुम तो इंडिया में किसी लेवल का पेपर दे दो आप स्टेट से जल्द दे रहे हो आप बिहार से जल्द दे रहे हो आप यूपी ट्रिपल एस दे रहे हो आप इंडिया का कोई सा भी पेपर दे लो याद रखना साइंस ये जो आपको मैंने पढ़ा दी है ना आज तक इससे बाहर कछु नहीं आने वाला कछु ना आ रहे हो है कछु ना आ रहे हो है. सर क्या याद रखोगे कि नृत्य से पहचानते हैं याद रखोगे जो मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य होते हैं वो एक दूसरे को सर क्या डांस से पहचानते हैं एक मधुमक्खी कहती है कि कहना कैसे कि डांस बसंती तो कहती ठीक है, है मैं कर्न में नाचूंगी है ना कि मेरे जब तक पैर चलेंगे मैं नाचूंगी तो वहीं धर्मपा जी कहते हैं वही मधुमक्खा है मधुमक्खी नहीं है कि बसंती है, मक्खियों के सामने मत नाचना मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत वो होते हैं जो दो बार विकसित होते हैं सिंपल 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 सा सवाल है दोस्त सर क्या उड़ा दोगे इसको मुझे पता है सर, क्या आप उड़ा दोगे काट दोगे पीट दोगे इतना आसान सवाल है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं बिहार सीजीएल को सर क्या अब की खोपड़ी में छेद तो कर ही देंगे तो मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं सिंपल 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 सवाल है बीस। बीस है दांत जो दो बार उगते हैं इन्हें क्या कहा जाता है इन्हें कहा जाता है महाराज क्या तो इन्हें हम क्या कहते हैं याद रखोगे हम कहते हैं टेम्पोर टीथ इन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों याद रखोगे इन्हें हम कहते हैं टेम्प्री टीथ यानी इन्हें हम किस नाम से जानते हैं इन्हें हम और स्थाई दांतों के नाम से जानते हैं और याद रखोगे इन्हें ही मिल्क टीथ कहा जाता है इन्हें ही दूध के दांत कहा जाता है और ये दो बार उगते हैं बच्चों में कौन से दांत नहीं पाए जाते तो बच्चों में याद रखोगे दोस्त कि अग्रचवर्णक कौन से दांत नहीं पाए जाते तो बच्चों में अग्रचवर्णक यानी याद रखोगे यानी किसकी बात कर रहा हूं यानी मैं बात कर रहा हूं प्री मोलर टीथ के बारे में और बच्चों के अंदर प्री मोलर टीथ नहीं पाए जाते इस बात को याद रखेगा हमेशा 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 याद रखेंगे कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिक संरचना का स्थानांतरण पूरा किया जाएगा द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन इज एक्म्प्लिश्ड बाई सर देखो क्या ही सवाल है कितना आसान ही सवाल है कि एक पीढ़ी है भैया एक जनरेशन है दूसरी जनरेशन में आपको पता है सर क्या आपको पता है कि देखो जो पिता होता है और पिता जैसा सर क्या तो सर क्या बेबी हो सकता है मदर जैसा बेबी हो सकता है याद रखोगे अजी दादाजी जैसा बेबी हो सकता है अरे नाना जी जैसा हो सकता है अरे बुआ जैसा हो सकता है याद रखोगे तो बेबी तो है ये है तो बेबी तो होना ही होना है युगिका हो सकती है है ना युगिका यही नाम रखा था हमारे उसने है ना सर को क्या कहा जाएगा सर याद रखोगे सर यह क्या हो जाएगा तो डीएनए के द्वारा सर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन डन बाईन जिसे हम कहते हैं डी ऑक्सीबोन्यूक्लिक एसिड और इस डीएनए की खोज किसने की थी तो डीएनए की खोज फ्राइड रिच मिक्सचर ने की थी और डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर यह जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है यह वॉटसन और क्रिक ने दिया था इस बात को भी आप सर हमेशा हमेशा याद रखोगे और डीएनए से डीएनए का बन जाना क्या कहलाता है राप्लिकेशन कहलाता है इस बात को आप सारे याद रखोगे है ना सर क्या की पिसी कल्चर क्या है क्या कह रहा है, पड़ोसी जैसा. एक वन के के रहा है. तो तुम्हारा बबुआ ना पड़ोसी जैसा होगा हमको तो ही रहा है कहेंट ही वही है तो जब ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा वही है तो भैया क्या पड़ोसी पे जाएगा वो हमको मत कहना फिर कि गुरुजी आप तो कुछ और पढ़ाए थे हो गया दादा हाई तो बोगली वाला मद्रासी है वो तो कुछ कुछ करिया है यो करिया है दादा क्या कहा जाएगा सर वो जो पीसी कल्चर है ये क्या होता है दोस्त याद रखोगे व्हाट इज द पीसी कल्चर याद रखोगे सर क्या तो याद रखोगे सर सर क्या सर को जो पीसी कल्चर है याद रखोगे क्या होता है ये ये आपका मत्स्य पालन होता है याद रखोगे कि मत्स्य पालन की कला पीसी कल्चर कहा जाएगा सर को मधुमक्खी पालन का कला क्या कहा जाएगा यह एपी कल्चर कहा जाएगा रेशम के कीड़े की पालन कला क्या कहलाता है यह सेरी कल्चर कहलाता है और अंगूर उत्पादन की कला याद रखोगे जो अंगूर है अंगूर उत्पादन क्या कहलाता है सर तो इसे हम कहते हैं सर क्या द बीटी कल्चर याद रखोगे सर क्या बीटी कल्चर कहते हैं इस बात को आप सारे याद रखोगे नेक्स्ट देखो क्या कहता है गुरु जल वॉट इज द हार्ड वाटर सर देखो गुरु जल क्या होता है का उपयोग नाभिक इेक्टर में शीतलक के रूप में होता है साबुन साथ झाग देता है साधारण जल में लंबे विद्युत अवघट से बनता है या घरेलू प्रयोजनों में उपयोग किया जाता है बताओ दोस्त क्या हो जाएगा बढ़िया है शानदार है बढ़िया है शानदार है धुआंधार है देखो दोस्त तो क्या कह रहा है सर ये सवाल भी बहुत अच्छा है बहुत अच्छा सवाल है सर कि गुरु जल क्या होता है सर को आप सभी से पूछा द ड्यूटेरियम ऑक्साइड द डी टू ओ बताओ सर क्या होता है आरती मिश्रा राहुल पूजा विवेक विश्वकर्मा विवेक कुशवाहा पूजा क्यूटेक्स वर्षु सिकंदर कुमार पुष्पा कुमारी आरती मिश्रा पूनम बिटिया गुड़िया बहुत दिन बाद आई प्रियोन बेटा तो होता है यह क्या होता है यह कूलेंट होता है यह क्या होता है यह मंदक होता है जो न्यूट्रॉन की गति को धीमा कर देता है न्यूट्रॉन गति को धीमा करेगा तो सर क्या याद रखोगी जो आपका वह न्यूक्लियर रिएक्टर है वो क्या सर वो शीतलक के तौर पर काम करेगा याद रखोगे गुरुजल कभी भी साबुन के साथ झाग नहीं देगा और पांच हजार साधारण जनों पर एक गुरुजल बनता है सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर पहला इज द करेक्ट आंसर याद रखिएगा नेक्स्ट देखो कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन सर क्या न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है अरे भैया देखो सबसे कम सर क्या प्रदूषण कौन उत्पन्न करेगा जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा होगी जिसका उष्मीय मान सबसे ज्यादा होगा वह क्या करेगा तो वह न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण सर क्या <laughs> बढ़िया 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 न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण को उत्पन्न करेगा याद रखिएगा अजी सर को निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन अजी वह कौन सा ऐसा फ्यूल है जो न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है दैट इज द हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या है सर याद रखोगे इसकी वैल्यू मतलब एक ग्राम ईंधन जलाने पर सबसे ज्यादा ऊर्जा जो देता है उसे कैलोफिक वैल्यू कहते हैं हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं हाइड्रोजन से ब्रह्मांड का ब्रह्मांड में सर क्या सबसे ज्यादा हाइड्रोजन सूर्य का निर्माण हाइड्रोजन से हुआ है हाइड्रोजन को सर क्या कहते हैं आवारा तत्व तो कहते हैं हाइड्रोजन की सर क्या तो ऑक्सीजन स्टेट नहीं पता हाइड्रोजन मेटल है कि नॉन मेटल है किसी को नहीं पता याद रखोगे कि हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी और आधुनिक आवर्त सारणी का अपवाद हाइड्रोजन है याद रखिएगा बिल्कुल 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 याद रखिएगा है ना सर निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम फर्टिलाइजर मतलब एक साथ दो तीन सर क्या उर्वरकों का योग होगा बताओ सर क्या हो जाएगा सर आपके सर सर एक के बहिना लेट आइए इसका मुड़ी काटिए बढ़िया बढ़िया बेहतर है सर कुल निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपाउंड फर्टिलाइजर दोस्त याद रखोगे कि कंपाउंड फर्टिलाइजर के तौर पर एनपीके जाना जाएगा अरे नाइट्रोजन हो जाएगा अरे फॉस्फोरस हो जाएगा अरे पोटेशियम हो जाएगा तो एनपीके तीन फर्टिलाइजर है सर नाइट्रोजन अरे है जी है अरे फॉस्फोरस अरे है जी है अरे पोटेशियम अरे है जी है तो ये तीन हो जाएंगे याद रखिएगा सर क्या मारेंगे तीन गिनेंगे एक याद रखोगे कि स्नेक अ नेस्ट घोसला बनाने वाला घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है देखो अपनी एक्स का नाम नहीं लूंगा मैं यहां पर लेकिन सर क्या उससे बड़ा सांप कौन था सर देखो घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन है अरे है चैन वाइपर है सॉ स्केल्ट वाइपर है या द किंग कोबरा है बताओ मतलब सर की घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप ये सारे जहरीले सांप हैं याद रखोगे और सबसे जहरीला रैटल स्नेक होता है कौन सा रैटल स्नेक होता है याद रखोगे तो सर क्या घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप किंग कोबरा है सर देखो किंग कोबरा एक ऐसा सांप है जो क्या करता है सर जो घोंसला बनाने का कार्य करता है याद रखिएगा अरे पूजा जी जी स्वागत है इस्तकबाल है आपका दूरदर्शन प्रसारण में के प्रेषण के लिए खाली टीवी, टीवी देखते हो कि टीवी को जब आप सर क्या करते हो प्रसारण करते हो तो वहां पे आप जो जी, सुन पाते हो वो कैसे सुन पाते हो जरा मुझे बताओ बढ़िया है सर बढ़िया 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 बढ़िया, बढ़िया। सर टोटल चार हो गया बोले तो चौका मारेगा बबलू आशु प्रियंका बढ़िया 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 क्या कहता है कि सर में सर जो संकेत होते हैं वो ऑडियो तो तो को लेके आएगा और जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट है जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट है ये वीडियो के लिए होगा इस बात को आप सारे याद रखना हमेशा हमेशा फोटोग्राफी में सर स्थाई कर फिक्सर के तौर पर मतलब जो फोटोज हैं उनको फिक्स कर देने के तौर पर प्रयुक्त तो होने वाला रसायन कौन सा है अरे बोरेक्स है अरे अमोनियम सल्फेट है अरे सोडियम थायोसल्फेट है या सोडियम सल्फेट हो जाएगा जरा मुझे बताओ अरविंद केजरीवाल पूनम बानु क्यूटेक्स निकू यादव बाबू दीपिके सिंह नवल किशोर मधु ओझा एक के प्रियंका शशिमाला अरविंद सोना आरती मिश्रा बढ़िया 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 सर अगर आपकी एक्स क्लास देखते तो बेचारी इतनी बेजती सह नहीं पाती होगी अरे नहीं बेसरम है वो उसकी आंखों में शर्म नहीं है उसको उसको तो खड़े खड़े बाजार में अगर अगर बेजत कर दोगे ना तभी नाची आरती रहेगी क्या ही है नेक्स्ट आ जाओ सर दैट इज सोडियम थायोसल्फेट जो याद रखोगे की जाने वाली अश्रु गैस कौन सी है टीय गैस महाराज टीओ गैस के बारे में पूछा है तो टीयर गैस कौन सी है कार्बन है अमोनिया है क्लोरोप्रीन है या हाइड्रोजन सल्फाइड है बताओ सर वो कौन सी हो जाएगा अब बहुत बढ़िया गोदा देखते हैं वो क्लास पता नहीं दोस्त देखते हैं कि नहीं अरे भाड़ में जाए अरे तुमको यार इससे मतलब यार एक छोडो ना जो गया सो गया अरे सुनो ना एक कहावत है एक मैंने लाइन लिखी थी आज से दो साल पहले आज से दो साल पहले मैंने एक लाइन लिखी थी कि जाने वाले को रास्ता देना चाहिए वास्ता नहीं इस बात पे हम रखो कि जाने वाले को हमेशा रास्ता दो निकल पहली फुर्सत में निकल वास्ता नहीं दैट इज द क्लोरोपिक्रीन याद रखोगे क्लोरोपिक्रीन के अंदर क्लोरीन होता है जो आंखों के अंदर जलन पैदा करता है जिससे आंखों से आंसू आते हैं और भीड़ तितर बितर हो जाती है तो पुलिस इस्तेमाल करता है सर किसका का याद रखिएगा इस बात को सारे के सारे हमेशा हमेशा हमेशा, हमेशा बेहतर है बेहतरीन है शानदार है धुआंधार है बढ़िया 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 शानदार है ना सर को क्या कहता है कि मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं कि मनुष्य का जो स्कल है स्कल स्कल के अंदर कितनी बोन्स हो जाएंगी जरा मुझे बताओ दोस्त जरा मुझे बताओ बढ़िया है शानदार है बेहतरीन है धुआंधार है जबरदस्त है अरे गदर काटे हो क्या अरे गदर काटे हो क्या अरे धुआं काटे हो क्या भाई धुआं है धुआं कि मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं सर ये उनतीस होती हैं अरे गदर ही काटोगे क्या अरे काटोगे ही क्या भाई तो याद रखोगे 29 हो जाएगा याद रखोगे इस बात को जिसमें सर क्या कपाल के अंदर अरे महाराज क्या कह रहा है महाराज कह रहा है कि कपाल कपाल के अंदर कितना होगा महाराज तो आठ हो जाएगा कपाल में कितना होगा सर आठ हो जाएगा सर चेहरा चेहरा सर याद रखोगे कि चेहरा में कितना होगा सर तो चेहरा में चौदह हो जाएगा सर जी कान कान में कितना होगा सर जी तो कान में हो जाएगा छः और यहां होती है और हॉइड में कितना हो जाएगा तो हॉइड में हो जाएगा एक चौदह आठ बाईस चौदह छाइस एक उन्तीस हड्डियां होती हैं। इस बात को आप सारे याद रखोगे हमेशा हमेशा जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है अरे जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है जरा मुझे बताओ बढ़िया 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 सर आपके हैंड्स में टैटू है क्या हाँ टैटू है है टैटू सर देखो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है तो याद रखोगे कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प होता है पुष्प क्योंकि पुष्प के अंदर सर की प्रक्रिया होती है क्या होता है सर तो पुष्प के अंदर राप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है सर क्या प्रजनन की प्रक्रिया होती है सर क्या पुष्प के अंदर और पुष्पों का अध्ययन क्या कहा जाएगा तो पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहा जाएगा अजी क्या कहा जाएगा तो याद रखोगे जो पुष्प है पुष्पों के अध्ययन को याद रखिएगा महाराज क्या कहते हैं सर इसे एंथोलॉजी कहते हैं हमेशा हमेशा याद रखोगे बेहतर है बेहतरीन है शानदार है धुआंधार है बढ़िया है सर देखो सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान बारे में बात कर लूं तो मानव का जो शरीर है तापमान कितना होगा जरा, मुझे बताओ दोस्त, कितना होगा सेल्सियस पर थर्टी सिक्स पॉइंट नाइन हो जाएगा नाइनटी एट पॉइंट फाइव ये फॉरन हाइट पर हो जाएगा और तीन किस पे हो जाएगा कैलविन पे हो जाएगा र्यूमर भी होता है रिंकाइन होता है ये पांच पैमाने होते हैं इस बात को याद रखोगे हमेशा हमेशा नेक्स्ट देखो सर दूध उदाहरण है किसका इमल्शन या पायस का कोलाइड विलयन का वायु विलय का या विलयन का कि दूध किसका उदाहरण है अरे किस 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 का उदाहरण है सर क्या देखो जो दूध है बढ़िया 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 कि दूध किसका उदाहरण सिमरन रू रोमा दुबे प्रभाकर प्रसाद नवल किशोर बढ़िया है शानदार है धुआंधार है जबरदस्त है बताओ सर कि दूध उदाहरण है किससे इमल्सन होता है पायस होता है जब लिक्विड 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 इन इन सर द्रव्य द्रव्य के के अंदर अंदर होगा मतलब दूध के अंदर प्रोटीन होगा तो याद रखोगे वो सर किसका उदाहरण होगा इमल्सन का वो किसका है सर तो वह पायस का उदाहरण होता है इस बात को आप सारे हमेशा हमेशा याद रखोगे नेक्स्ट देखोगे सर क्या प्रकाश का शून्य अवकाश में वेग कितना होता है कि प्रकाश का लाइट का वाइड स्पेस वैक्यूम में कितना ही सर का स्पीड हो जाएगा जरा मुझे बताओ बेहतर है बेहतरीन है शानदार है धुआंधार है एक के अरविंद सीमा रवि प्रियंका सोना मोहम्मद फैजान अहमद दीपक कुमार ए के बेटा जी बहुत ही शानदार अरविंद केजरीवाल कि सर सुने अवकाश में कितना वेग होता है तो याद रखिएगा यह होता है तीन गुड़े दस की घात आठ मीटर पर सेकंड याद रखोगे और याद रखोगे सर क्या कि देखो जो वैक्यूम है वैक्यूम में क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है इसलिए स्पीड सबसे ज्यादा होती है दैट इज थ्री इंटू टेन पावर एट मीटर पर सेकंड हो जाएगा बोलो राधे राधे कि फ्यूज का सिद्धांत क्या है सर द प्राइम प्रिंसिपल ऑफ फ्यूज की फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है जरा मुझे बताओ जरा ही जरा मुझे बताओ सर बहुत ही शानदार धुआंधार जबरदस्त जिंदाबाद कि फ्यूज का सिद्धांत क्या है फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो दोस्त याद रखोगे जो फ्यूज है फ्यूज विद्युत के उष्मीय प्रभाव पर याद रखोगे पे कार्य करता है दोस्त द हीटिंग इफेक्ट ऑफ देंट विद्युत के उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है सर सर फ्यूज। फ्यूज सर क्या 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 फ्यूज फ्यूज और 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 में कौन सी वायर का प्रयोग करते हैं दैट इज द यही मिलकर रांगा धातु बनाता है याद रखोगे अरे कौन सी धातु तो रांगा धातु बनाता है और जैसे ही सर क्या करंट ज्यादा होगी यह पिघल जाएगा और पिघल के सर क्या कनेक्शन से अलग हो जाएगा इस बात को आप सारे याद रखोगे अरे भाई नेक्स्ट देखो ना क्या कहता है अरे भाई देखो ना देखो ना देखो ना मेरे दोस्त कि अमोनियम सल्फेट उर्वरक का बार बार प्रयोग एक ही भूमि में करोगे अरे भैया उर्वरक है उर्वरक कैसा द अमोनियम सल्फेट तो बताओ सर कि अमोनियम सल्फेट उर्वरक का प्रयोग एक ही भूमि में बार बार अजी बार बार करने से भूमि कैसी हो जाएगी भूमि अधिक उपजाऊ हो जाएगी अम्लीय हो जाएगी क्षारिय हो जाएगी या इनमें से कोई नहीं बढ़िया है बेहतर है शानदार है शानदार है शानदार है धुआंधार है बढ़िया 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 तो याद रखोगे वो भूमि क्या हो जाएगी वो भूमि अम्लीय हो जाएगी और देखो अम्लीय भूमि अच्छी होती है लेकिन तक तक तो 6.5 6.5 ठीक होती है से 7.5 एक अच्छा रेंज माना जाता है भूमि का और 6.5 से अगर भूमि की अम्लीयता कम हो रही है तो वो बैरन हो जाएगी वो बंजर हो जाएगी क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट का अमाउंट बढ़ता जा रहा है इस बात को आप सारे याद रखिएगा नेक्स्ट आ जाओ हिमोग्लोबिन क्या है सर हीमोग्लोबिन एक उदाहरण है द हेमोग्लोबिन द हेमोग्लोबिन इज एन एग्जांपल ऑफ कि हीमोग्लोबिन किसका उदाहरण है जरा मुझे बताओ जरा मुझे बताओ, जरा मुझे मुझे बताओ बताओ सर कि हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन किसका उदाहरण होगा दोस्त किसका उदाहरण होता है जरा 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 मुझे बताओ सर हीमोग्लोबिन रचनात्मक प्रोटीन है वाहन प्रोटीन है रक्षक प्रोटीन है या एंजाइम प्रोटीन है इट इज अ वाहन प्रोटीन यह एक प्रकार का ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है याद रखोगे सर क्या तो यह

अरे धुआं धार धुआं धार जबरदस्त गजब शानदार शानदार है शांदार है अरे आज जाकर तहार दो आसमान में कि भाई तैयारी कर रहे हैं हम बिहार की और अब की बार सिलेक्शन आपका होगा याद रखोगे सर क्या तीन ओम है छह ओम है तीन और छे का एल्शियम निकाल लो तो तीन और छे का एल्शियम कितना आएगा सर तो यह आ जाएगा बारह तीन से सर कितनी बार में जाएगा सर देखो तीन से जाएगा सर कितनी बार में चार बार में जाएगा ना तीन और छह सर कितनी बार में दो बार में ठीक है तो ये कितना आएगा सर तो याद रखोगे तीन, तो या तीन ओम और छह ओम के आ, दो प्रतिरोध समांतर क्रम में सर समांतर में है पैरल पैरल तो सर क्या पैरल में तो वन बाई प्लस वन बाई सिक्स कर लो और इसका निकाल लो सर क्या थ्री और सिक्स का एल्सियम निकालोगे कि सर कितना आएगा सर ट्वेल्व पे और आप करोगे सर क्या प्लस टू सर क्या सिक्स सिक्स अपॉन ट्वेल्व वन बाई टू सर कितना आएगा सर टू ओम आ जाएगा याद रखो सर कितना ओम आएगा टू ओम आ जाएगा फोर प्लस टू सिक्स करोगे सिक्स बाई काटोगे तो वन बाई टू और टू ओम आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आसान सवाल था अरे धुआं काटा है क्या ही होगा दोस्त जरा मुझे बताओ जरा मुझे बताइए जरा मुझे सर की क्या हो जाएगा जरा मुझे बताइए जी की, की जो इकाई होती है वो क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीटर स्क्वायर पर सर सिंपल सिंपल सी सर क्या देखो तो जो जी होता है एक्सलेन ड्यू टू ग्रेविटी सर क्या याद रखोगे तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा याद रखोगे यह या आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट आ जाओ हेपेटाइटिस बी मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है दोस्त बहुत ही अच्छा सवाल है कि हेपेटाइटिस बी मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करेगा वह कौन सा अंग है मानव का कि मानव का वह कौन सा अंग है जो हेपेटाइटिस बी द्वारा प्रभावित हो जाएगा सिंपल सी बात है किससे होता है वायरस से होता है और आपका लिवर प्रभावित होता है अरे महाराज क्या ही है महाराज याद रखिएगा कि देखो जो लिवर है तो लिवर से प्रभावित होता है सर क्या लिवर प्रभावित होता है हेपेटाइटिस बी में और हेपेटाइटिस बी वायरस किससे होने होने वाला वाला रोग है अरे होने वाला है अरे महाराज तो याद रखिएगा से आज तो तावर तोड़ प्रैक्टिस रखिएगा तो भाई क्या ही गदर क्या ही जहर कि ऑटोमोबाइल मोटरकारों में हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्यक्रम पर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अरे भाई ये सवाल टॉपिक क्वेश्चन है बिहार के किसी भी एग्जाम का बिहार में जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनका सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल मैंने अपने करियर में देखा है तो इस सवाल को देखा है तो जरा मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या हो जाएगा बहुत ही बढ़िया शानदार है धुआंधार है जबरदस्त है गोधा फुलदीमार शशिमाला नेहा सिंह बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बढ़िया शानदार 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 है दोस्त बढ़िया है रुचिका सिकंदर बहुत ही बढ़िया बहुत बढ़िया 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 सो द आंसर विल बी सर तो पास्कल का नियम वह किस पे कार्य करता है तो so, हाइड्रोलिक जो ब्रेक्स होते हैं वह पास्कल के नियम पर कार्य करते हैं हमेशा 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 इस बात को याद रखोगे। हमेशा, हमेशा इस बात बात को को याद याद रखोगे रखोगे आप सर निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो प्राय फ्लोरा स्केंट ट्यूब में इस्तेमाल करते हैं सर देखो जो फ्लोरास्केंट ट्यूब देखो जो आपका सी एफ एल द कॉम्पैक्ट फ्लोरास्केंट लैंप सर देखो जो सी एफ एल है जो कॉम्पैक्ट फ्लोरास्केंट लैंप होता है उसमें किस पदार्थ का प्रयोग करेंगे सर याद रखोगे वहां पर सर क्या है किसका प्रयोग करेंगे जल्दी बताओ सर वहां पे एक अक्रिय गैस होगा और मरकरी के वेपर के साथ तो पारे के वेपर के साथ अक्रिय गैस भरी जाती है और जो सी एफ एल होती है जो फ्लोरास्केंट लैंप होती है जो ट्यूब होती है उस ट्यूब में फॉस्फोरस डालते हैं तो जैसे करंट जाती है वो फॉस्फोरस जल जाता है याद रखोगे सर सफेद प्रकाश सर क्या सफेद प्रकाश आपको दिखाई देगा इस बात को आप याद रखोगे कि वन बाई थ्री ओम के तीन प्रतिरोध को क्रम में उपयोग करते हुए सबसे अधिकतम प्रतिरोध कितना होगा सर समांतर किसने बोला है सर सीरीज में करना है ना? सर सीरीज में सर तीन क्रम सर क्या सीरीज में करना है तो वन बाई थ्री सर क्या वन बाई थ्री प्लस वन बाई नीचे की वैल्यू सेम रहेगी तीन एक 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 तीन बाई मतलब सर क्या तो एक ओम आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अरे महाराज सोचना ही नहीं अरे भाई धुआं काटोगे अरे काटोगे ही क्या आज तो गदर दिखेगा आज तो गदर कटेगा याद रखिएगा बेहतर है बेहतरीन है शानदार है जबरदस्त है याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि घरेलू ऊर्जा मीटर को बताओ सर देखो जो घरेलू ऊर्जा मीटर होते हैं जो आपके घर वाले जो ऊर्जा मीटर होते हैं उन्हें किसमें पढ़ा जाता है वो किलोवॉट में या जूल में आर में सर में, में आर में। को जो आपकी बिजली आती है जो यूनिट में लिख के आती है तो उसे किस में पढ़ा जाएगा दोस्त तो वह वा किलोवाट आर में पढ़ा जाता है किलोवाट घंटे में पढ़ा जाता है इस बात को याद रखिएगा। बढ़िया 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 शानदार रुचिका बढ़िया रुचिका बिटिया निवेदिता बढ़िया 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 शानदार 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 कि विद्युत चुमकी तरंग और प्रकाश की तरंग में जो गति होती है सर देखो जो विद्युत चुमकी तरंग और जो प्रकाश के तरंग की जो गति होती है उनके बीच का सर देखो क्या कह रहा है सर तो उनके बीच में स्पीड का कैसा कंपैरिजन होगा पहली गति दूसरे से अधिक हो जाएगी दोनों की समान हो जाएगी दूसरी पहले से अधिक गति अधिक होगी या इनमें से कोई नहीं जरा मुझे बताओ सर क्या हो जाएगा शानदार है धुआंधार है प्रभाकर प्रसाद आई एम सफरिंग फ्रॉम इरेटिकल डिस्फंक्शन हाउ इट कैन बी ट्रीटेड इरेक्टाइल डिस्फंक्शन घुचो जो है क्या बे? चुके ही याद रखोगे सर क्या कह रहा है सर याद रखोगे कि सर क्या दोनों की गति हमेशा समान रहेगी वह क्या होगी सर वह थ्री इंटू टें पॉवर एट मीटर पर सेकंड रहेगी याद रखोगे सर क्या द्री इंटू टें पावर एट मीटर पर सेकंड हो जाएगी और जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनकी यही स्पीड रहती है याद रखोगे जो वन के बराबर रहेगी में से किसका उपयोग फोन संचालित होने में होता है प्रकाश का ध्वनि का माइक्रो का या इनमें से कोई नहीं बढ़िया नमस्ते सर जी कैसे हैं आप आर के पटना जी आम बेहतर बेहतरीन शानदार जबरदस्त जिंदाबाद आप बताओ आप कैसे हो बढ़िया है शानदार है धुआंधार है सर याद रखोगे क्या हो जाएगा सर याद रखोगे कि किसका उपयोग सेलर फोन में होता है वह माइक्रोवेव्स होती हैं कौन सी वे होती हैं दोस्त याद रखो जो दोस्तोंटर फोन्स होते हैं जो सेलर फोन्स होते हैं तो सेलर फोन्स के अंदर माइक्रोवेव्स का प्रयोग करते हैं याद रखोगे बढ़िया है बेहतर है है शानदार धुआंधार है नेक्स्ट आ जाओ कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी यूनिट है देखो लाइट ईयर है लाइट ईयर किसकी यूनिट होती है जरा मुझे बताओ दोस्त की देखो जो लाइट ईयर है लाइट ईयर किसकी यूनिट होती है जरा मुझे बताओ राहुल राज ए के सिन्हा पूनम प्रियदर्शनी सालिनी सोना सिन् हा रोमा बिटिया लाडली गुड़िया बहुत ही बढ़िया दोस्त एक बार वर्ष को लाइक कर दो लाइक बहुत कम है आज प्रकाश वर्ष में से किसकी यूनिट है याद रखोगे यह या दूरी की इकाई होती है एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई चाल एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई चाल प्रकाश वर्ष होती है और एक लाइट ईयर कितना होता तो है याद रखोगे यह या क्या सर यह नाइन पॉइंट फोर सिक्स इंटू टेन पॉवर फिफ्टीन मीटर होता है जो कि एग्जैक्ट में दस के पावर सिक्सटीन हो जाएगा याद रखोगे अप्रोक्स अप्रोक्स में और लाइट ईयर फिर भी सबसे बड़ी यूनिट नहीं है

भाई यही सवाल है जो एग्जाम में सर क्या फंसेंगे आएंगे याद रखोगे कि रॉकेट और जेट किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं कि रॉकेट और जो जेट होते हैं जो रॉकेट और जेट होते हैं याद रखोगे यह या किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं न्यूटन के प्रथम नियम पर न्यूटन के द्वितीय नियम पर न्यूटन के तृतीय नियम पर या पास्कल के सिद्धांत पर बढ़िया है शानदार है बढ़िया है दीपक कुमार अरविंद सोना सोना बेटा लाडली गुड़िया जीके बढ़िया 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 सर बहुत ही शानदार सर सरको रॉकेट के जेट का सर देखो रॉकेट और जेट के सिद्धांत पर कार्य करता है या न्यूटन के थर्ड लॉ पे कार्य करता है और इसे एक्शन रिएक्शन लॉ कहते हैं या इसे क्या कहते हैं ना कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम रैखिक संवेग संरक्षण द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और या तो सर क्या एक्शन रिएक्शन लॉ कहा जाएगा न्यूटन के थर्ड लॉ को याद रखिएगा नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्या कहता है कि सोना चांदी तांबा और लोहा में सबसे अधिक मैलेबल कौन होगा द मोस्ट ना कि मैलेबल द मोस्ट डक्टाइल इन बिटवीन सर क्या गोल्ड सिल्वर कॉपर एंड द आयरन की इसमें से डक्टाइल तन्य भंगुर कौन होगा जरा मुझे बताओ दोस्त जरा मुझे बताओ कि सोना चांदी तांबा और लोहा में सबसे अधिक तन्य कौन होता है कौन होता है कौन होता है तो याद रखोगे इन सबके अंदर सबसे अधिक तन्य कौन होगा तो याद रखोगे देखो जो दोस्त जो गोल्ड है गोल्ड याद रखोगे गोल्ड एक प्रकार की नोबेल मेटल है यह एक प्रकार क्या है सर तो याद रखोगे यह एक प्रकार का नोबेल मेटल माना जाता है सर कौन जो आपका सोना है इस बात को आप याद रखिएगा फोटोग्राफी की आविष्कार किसने की थी जॉर्ज ईस्टमैन ग्राहम बेल एल या लिपमैन बताओ सर की फोटोग्राफी की खोज किसने की थी बताइए दोस्त की फोटोग्राफी की खोज फोटोग्राफी की खोज किन साहब द्वारा की गई थी हु डिस्कवर्ड द द फोटोग्राफी जॉर्ज ईस्टमैन द ग्राहम बेल द ग्रेब्यल लिपमैन या एल डेग्यूरे जल्दी जल्दी आंसर करते रहेंगे फटाफट 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 है फटा, 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 दोस्त बानो बिटिया सिन्हा बेटा जी बहुत ही शानदार राहुल, राहुल 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 बढ़िया सर देखो तो ग्या देखो तो गैब्रियल गैब्रियल लिपमैन लिपमैन जो लिप नाम के साहब थे इन्होंने फोटोग्राफी की खोज की थी याद रखोगे जूल प्रति सेकंड किसकी का ही है अरे जूल क्या है सर जूल कार का है और कितना कार है आप कितने सेकंड में कर रहे हैं बताइए सर की क्या तो जूल प्रति सेकंड सर किसकी का ही है अरे आप कितना कार है कितने समय में करते हैं या किसके बारे में बताएगा सर ये कार्य है कि शक्ति है कि ऊर्जा है या इनमें से कोई नहीं बढ़िया सवाल शानदार सवाल एग्जाम में छपने वाला सवाल है तो जरा मुझे बताओ कि सर जूल किसकी इकाई है सर सर देखो जूल प्रति किसकी शक्ति की इकाई है पावर की इकाई है और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं तो इसे वॉट से रिप्रेजेंट करते हैं किससे रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों याद रखोगे इसे वॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है इस बात को दिमाग में बिठा लेना हमेशा हमेशा निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व

uh <laughs> ये हमारा सुपर क्रैश कोर्स है ये डुपर क्रैश कोर्स है ये सुपर से ऊपर क्रैश कोर्स है नहीं दोस्त पढ़ाई करो सिलेक्शन लो सर क्या यहाँ पर फीस कभी भी आपकी बाधा नहीं होगी बस पढ़ते रहो सर हमने बिहार सील का क्रैश कोर्स फ्री चलाया अभी बिहार सिविल कोर्ट का का चला रहे हैं निषेध आने वाला है याद रखोगे सो आंसर विल भी कार्बोहाइड्रेट हमारे मुख में सर सेवेंटी परसेंट कार्बोहाइड्रेट पच जाता है याद रखोगे सर क्या हो जाएगा आंसर तो आंसर आपका कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा याद रखिएगा वह गैस जो नोबल गैस कहलाती है इसमें से वह कौन सी गैस है जो नोबल गैस कहलाती है सर को सर यहाँ पे हिमोलिसिस को काट के आप हीलियम करना आप हीलियम करना आप हीलियम करना बताओ सर कि वह गैस जो नोबल गैस कहलाती है वह कौन सी गैस है वह

गैस कहते हैं और रेडॉन सबसे भारी अक्रिय गैस है और यह आपके प्रकृति में नहीं पाई जाती और यह एक रेडियो एक्टिव भी है रेडॉन तो ये ही हीलियम आर्गन क्रिप्टन जेनॉन रेडॉन इस बारे में आप याद रखोगे हमेशा 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 नेक्स्ट आ जाओ कि रक्त कैंसर को क्या कहते हैं द ब्लड कैंसर इज कॉल्ड द हिमोफिलिया देमोलाइसिस या द लिक्वेमिया बताओ सर कि ब्लड कैंसर को क्या कहते हैं अरे क्या कहते हैं क्या कहते हैं क्या कहते हैं जरा मुझे बताओ जरा मुझे बताओ जरा मुझे बताओ कि सर ब्लड कैंसर को क्या कहा जाएगा थ्रोम्बोसिस कहा जाएगा <Spike Viridis> ब्लड कैंसर होता है याद रखोगे जब आपकी बॉडी के अंदर डब्ल्यू ज्यादा हो जाएगा तो उसे ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाएगा इस बात को आप याद रखोगे बढ़िया है शानदार है रक्त कैंसर को कहते हैं हो गया सर सर नेक्स्ट आजित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों को विच्छेदन करता है अरे भाई बहुत अच्छा सवाल है ये सर वो पायरेक्स होगा एक क्रिस्टल देखो ये दोनों नहीं होंगे सॉड और जेना नहीं होंगे ये दो ही होंगे इन दो में से ही कोई एक होगा पायरेक्स होगा या द्रुक्स होगा बताओ सर कि वह कौन सा कांच है जो पराबैंगनी किरणों को विच्छेदित कर सकता है पायरेक्स है या क्रुक्स है सर जो क्रुक्स है क्रुक्स कांच क्या करता है सर तो याद रखोगे जो क्रुक्स कांच है याद रखोगे यह या पोलराइड ग्लासेस के लिए होगा ये सर क्या ऊष्मा रेधि के लिए होगा सो द आंसर विल बी व्हाट सो द आंसर विल बी योर पायरेक्स ग्लास पाइरेक्स ग्लास याद रखोगे पायरेक्स कांचों का प्रयोग किसके लिए करते हैं तो अल्ट्रावायलेट रेस को सर क्या रिफ्लेक्ट करने के लिए करते हैं याद रखोगे कि घट पढ़नी सर देखो जो घट पढ़नी होता है जिसे पीचर प्लांट कहते हैं जो एक इंसेक्टिव वायरस प्लांट है याद रखोगे वायरस प्लांट है कीटभक्षी पैदा है पौधा है निम्नलिखित में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है मतलब सर देखो जो इंसेक्टिवस में जो उसका वोरस कौन बनता है सर उसका स्तंभ बनता, बनता है उसका अनुपर्ण बनता 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 है 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 उसका उसका या पत्ता सर सिंपल सिंपल सी बात सर क्या बनता है बताओ सर सर द द द पैटियोल अंडुलेशन याद रखोगे सर क्या बनता है उसका तो याद रखोगे कि सर उसका देखो जो, जो, जो लीव्स होती हैं लीव्स ऐसे खुली रहती हैं ऐसे खुली रहेंगी उसमें आकर सर क्या कोई भी मक्खी मच्छर कुछ भी आकर बैठेगा वो उन्हें सर क्या ऐसे बंद कर लेगा और उन्हें खा जाएगा इसे कहते हैं सर क्या पीचर प्लांट जो इंसेक्ट पीवोरस होते हैं याद रखोगे और यह क्या यह प्रोड्यूसर और कंज्यूमर एक साथ होते हैं ये नाइट्रोजन का निर्माण करते हैं वहां पाए जाएंगे जहां की मिट्टी में नाइट्रोजन कम होगा तो ये वहां के लिए नाइट्रोजन उत्पादित करते हैं और साथ ही साथ सर क्या खाते भी हैं तो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर एक साथ होते हैं जो और प्लांट होते हैं याद रखोगे अधिकांशतः कीट शोषण कैसे करते हैं बताओ सर देखो जो अधिकांशता कीट होते हैं जो मैक्सिमम आपके इंसेक्ट होते हैं वो कैसे शोषण करते हैं जरा मुझे बताओ जरा मुझे बताओ बढ़िया का रवि कुमार खुशबू निवेदिता बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है घट पड़ने क्या होता है पीचर प्लांट होता है बेटा पीचर प्लांट सर वीनस फ्लाई ट्रैप वो भी एक सर क्या एक प्रकार का सर क्या है है इंसेक्टिव याद रखोगे सर देखो अधिकांश कीट कैसे शोषण करते हैं तो याद रखोगे सर क्या दर्व सिस्टम नहीं यार वातक तंत्र तो उसे कहते हैं क्लोम सिस्टम क्लोम सिस्टम तो वह वा अपने वातक तंत्र से सर क्या करते हैं तो याद रखोगे सर क्या तो शोषण करते हैं वातक तंत्र ये वाला सिस्टम ट्रैकियल सिस्टम जो होता है तो ट्रैकिया से शोषण करते हैं जो कीट है इसलिए अगर कोई कीट पानी पी लिया तो उसकी मृत्यु हो जाती है कि सर देखो अगर आप कॉकरोच को कॉकरोच को, को पानी में डाल दो तो कॉकरोच की मृत्यु हो जाएगी क्योंकि वो उस पानी को पिएगा और जैसे उस पानी को पिएगा उसकी जो सांस लेने वाली नलिका है वो ब्लॉक हो जाएगी और उसकी मृत्यु हो जाएगी याद रखिएगा हमेशा हमेशा

कहां पे होता है फीमेल्स के अंदर ये सवाल पूछ रहा है ना बढ़िया 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 सर देखो क्या कह रहा है सर दैट इज द डिम्भक वाहिनी नली दैट इज द फेलोपियन ट्यूब याद रखोगे कि फेलोपियन ट्यूब के अंदर याद रखोगे शुक्राणु डिम्भ को निषेचित करता है याद रखोगे और डिम्भ की फॉर्मेशन याद रखोगे जो निषेचन है निषेचन याद रखोगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के एक हफ्ते तक नहीं हो सकता याद रखोगे कि देखो जो निषेचन की प्रक्रिया होती है जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है यह क्या सर यह एक हफ्ते तक आफ्टर दी सर क्या द मेस्ट्रल साइकिल नहीं हो सकता इस बात को आप सारे याद रखिएगा हमेशा हमेशा लहसुन की गंध किसके कारण होती है द करेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ द गार्लिक स्कॉच बाई सर को जो गार्लिक से जो महक आती है जो लहसुन से जो महक आती है वो किस वजह से आती है बढ़िया 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 सर बी एस स्टूडेंट के लिए कौन सा शौक है दीपक शाह कह रहा है कि सर क्या कि बी स्टूडेंट के लिए कौन सा शौक है भैया दीपक शाह शॉक सर क्या चार सौ चालीस वोल्ट वाला है पच्चीस हजार वोल्ट वाला है देख लो अपने हिसाब से कौन सा लेना है सल्फर क्या सर तो यह लहसुन से सर याद रखोगे कि की मौजूदगी की वजह से आती है इस बात को आप सारे हमेशा हमेशा याद रखोगे सर पित्त पिंड कहा पाई जाने वाली कोशिकाओं की संति है यह कहा पाया जाएगा सिंपल सवाल है याद रखोगे सर क्या यह अंडा

से आपका मैंथॉल बनता है याद रखोगे मैंथॉल एक ऑयल होता है जो लौंग के तेल से बनता है लौंग कहाँ से प्राप्त होता है सर तो ये बीज की कली से प्राप्त होता है इस बात को आप याद रखोगे ठीक है बढ़िया है शानदार है निम्नलिखित में से किस एक का अधिकतम ईंधन मान होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट कैलोरफिक वैल्यू कि इसमें से जो कैलोरफिक वैल्यू है वह किसकी सबसे ज्यादा होगी हाइड्रोजन की चारकोल की प्राकृतिक गैस की या गैसोलीन की तो याद रखोगे कि सर सबसे ज्यादा वैल्यू हाइड्रोजन की होती है जो कि की 150 किलो जूल के लमसम होती है कि एक ग्राम एक ग्राम सर क्या ईंधन जलाने पर सबसे ज्यादा ऊर्जा देने का कार्य कौन करता है दोस्त याद रखोगे वह आपका कौन देता है सर याद रखोगे हाइड्रोजन देता है इस बात को आप सारे याद रखोगे की वॉशिंग मशीन किस कार्य पर कार्य करती है किस सिस्टम पर कार्य करती है बताइए कि किस सिस्टम पर कार्य करती है जो आपकी वॉशिंग मशीन है बढ़िया है शानदार है धुआंधार है बढ़िया है बेहतर है धुआंधार है कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर किस प्रिंसिपल पर कार्य करती है तो देखो सर ये क्या है सर यह होता है एक केंद्र और केंद्र के अंदर की ओर लगने वाला बल केंद्र के अंदर की ओर लगने वाला बल जो भारी तत्वों से सर क्या हल्के तत्वों को अलग करता है जिसे कहते हैं याद रखोगे और -साथ, साथ 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 ही वॉशिंग मशीन के द क्रीम सेपरेटर सर दही मथने वाली मत, सर क्या मथनी जो होती है वह क्या सर वो सेंट्रिफिकेशन पे कार्य करती है इस बात को आप सारे याद रखोगे हमेशा 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 बेहतर है बेहतरीन है शानदार है कि सामान्य क्रियाशील महिला को प्रतिदिन कितनी प्रोटीन की दैनिक मात्रा में आवश्यकता होती है एक वर्किंग वुमेन है एक वुमेन है जो कि वर्किंग है तो उसे डेली कितना प्रोटीन चाहिए होगा जरा मुझे बताओ सर तो एक वर्किंग वुमेन को डेली का डेली द 46 सिक्स ग्राम्स ऑफ प्रोटीन नीडेड होगा एक 46 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होगी एक वर्किंग वुमेन को याद रखोगे सर देखो द्रवों का उछाल संबंधी नियम किसने प्रतिपादित किया था

बढ़िया सलमान खान की पिक्चरों में ग्रेविटी नाम की कोई चीज नहीं होती है याद रखिएगा निम्नलिखित में से यह किससे सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ प्रकार की होती हैं बताओ दोस्त कि प्रकाश तरंगे एक प्रकार की अनुप्रस्थ प्रकार की तरंगे होती हैं यह किससे सिद्ध होता है व्यतिकरण से विवर्तन से ध्रुवण से या प्रकाश विद्युत प्रभाव से कि सर यह किससे कन्फर्म हो जाएगा कि देखो जो प्रकाश तरंगे हैं वह एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं सर याद रखो कि देखो जो पोलराइजेशन है जो ध्रुवण की प्रक्रिया तो ध्रुवण की प्रक्रिया से यह बात

आज नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसको वाटर ग्लास के नाम से जाना जाता है सर वाटर ग्लास किसे कहते हैं द लाइसोल है द सोडियम सिलिकेट है द सोडियम कार्बोनेट है या नन ऑफ दीज है सर याद रखोगे कि वाटर ग्लास किसे कहा जाएगा बताओ दोस्त <coughs> सर वाटर ग्लास किसे कहा जाएगा जरा मुझे बताओ जरा मुझे बताओ कि वाटर ग्लास किसे

पर कोई भी अफेक्ट नहीं डालेगा जरा मुझे बताओ जरा मुझे बताओ बेहतर है बेहतरीन है शानदार है धुआंधार है बहुत ही बढ़िया बेहतर दोस्त एक बार शेन को लाइक कर दो सारे यार लाइक बहुत कम है बहुत 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 बहुत, बहुत कम है लाइक याद रखोगे दोस्त बढ़िया दीपक शाह के देखो दीपक शाह के में चनूने काट रहे हैं कहीं पे सर आप कल क्या बोलना चाहते हो एग्जाम सिलेक्टेड तो ये कल जानना ना जानने के लिए जुड़े रहे सर क्या सुपर कोचिंग बिहार भाई टेस्ट बुक चनूनी ना कटवाएं ताकि पढ़ाई उड़ाई करें आई एस वाई एस बने ठीक है

सर क्या ए एच बताओ सर बताओ सर कि क्या कह रहा है सर बताइए बढ़िया 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 कल जानते दीपक कल मैंने जरा कमेंट देखा था सर, सर की क्लास में तो सामने तो तेरा मार्ग में जबड़ा लाल कर देता लेकिन जो तो सामने नहीं था सुपर कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है याद रखोगे द तो जे एच वैन पैसल याद रखोगे सुपर कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है जहां पे कंप्यूटर की पांचों जनरेशन को मिला दिया जाए उस कंप्यूटर को कहते हैं सर क्या सुपर कंप्यूटर और याद रखोगे द फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर वो जे एच वैन नहीं ये आविष्कारक है जे एच वैन पैसल जबकि फादर कौन है याद रखोगे फादर कौन है दोस्त याद रखो तो फादर है आपके साइमन क्रे। साइमन साइमन जो हैं हैं ये ये है सर फादर हैं, याद रखोगे जबकि वहीं पर इंडिया में सुपर कंप्यूटर लेकर आए थे हमेशा दोस्त हमेशा इस बात को आप याद रखेंगे बढ़िया है शानदार है बेहतर है बेहतरीन है देखो नेक्स्ट क्या कहता है दोस्त कि प्रकाश का रंग निर्धारित होता है द कलर ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाई वेबल से सर वेग से तीव्रता से या आयाम से सर प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है जरा मुझे बताओ सर जरा मुझे बताओ कि प्रकाश का रंग निर्धारित कौन करेगा या उसकी तरंग करेगी या उसका वेग करेगा? उसकी तीव्रता करेगी? या आयाम करेगा सर देखो आप सभी जानते हो कि प्रकाश का रंग उसके तरंग धैर्य से निर्धारित होता है और ज्यादा वेबलेंथ रेड कलर को लेके आएगा कम वेबलैंथ वायलेट कलर को लेके आएगा इस बात को आप सारे याद रखोगे हमेशा 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 सर वायुमंडलीय दाब के बराबर के असर क्या होता है सर जो वायुमंडलीय दाब सर किसके बराबर होता है जरा मुझे बताओ सर कि देखो जो वायुमंडलीय दाब होता है वह किसके बराबर होगा जरा मुझे बताइए जरा मुझे बताइए सर एक वायुमंडलीय दाब किसके बराबर हो जाएगा बढ़िया है शानदार है अरे भाई बिल्कुल सेट है यह सवाल याद रखोगे डेट इज अ टेन पॉइंट फाइव न्यूटन मीटर स्क्वायर याद रखोगे सर देखो वायुमंडलीय दाब या दाब की गाय क्या होती है पासकल होती है याद रखोगे इस बात को जो फोर्स अपॉन एरिया हो जाएगा याद रखिएगा बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है द बोलोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच मीजर सर देखो जो बोलोमीटर होता है ये कैसा यंत्र है जो किसको मापेगा अरे किसको 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 मापेगा तो बोलोमीटर एक ऐसा यंत्र है जो मापता है उष्मा के विकरण को हीट रेडिएशन को मापने का कार्य बोलोमीटर नाम का उपकरण करता है इस बात को आप सारे हमेशा हमेशा याद रखोगे अरे बेहतर है बेहतरीन है शानदार है धुआंधार है जबरदस्त है सुरजीत कुमार रोमा गायत्री बढ़िया 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 महाकाल डिसेंट प्रिया आदिल अशरफ तेरे भी चनुने में शांत करूंगा एक बार मैं पढ़ा के सारे क्वेश्चन तेरे भी चनुने शांत करूंगा बस बना रही हो है ना

प्राथमिक रंग कहे जाते हैं और कौन कौन से प्राथमिक रंग होते हैं द रेड होता है द ग्रीन होता है द ब्लू होता है सर रेड हो जाएगा आपका सर ग्रीन हो जाएगा सर ब्लू हो जाएगा ये आपके प्राइमरी रंग होते हैं जो कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं जो आपके टेलीविजन में होते हैं सर क्या द रेड ग्रीन एंड ब्लू कहाँ है सर सर देखो कहाँ है आ, लाल हरा और नीला लाल रेड ग्रीन और ब्लू ये लाल नीला और हरा ये क्या है प्राइमरी कलर हैं जो अन्य रंगों को मिलाकर नहीं बनते और याद रखोगे सर क्या तो ये अन्य रंगों को मिलाकर नहीं बनेंगे और याद रखोगे कि स्तनधारी नहीं है विच ऑफ अ मैमल देखो दोस्त निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी नहीं है डॉल्फिन नहीं है, है सीलाय नहीं, नहीं है या ब्लू शार्क नहीं है भाई ये सवाल गदर काटेगा अरे भाई गदर है ये सवाल बताओ दोस्त क्या हो जाएगा कि गई पूरी खाके लंडन से पढ़ाई कर लो अब याद रखोगे कि सर क्या निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी नहीं ब्लू शार्क ब्लू शार्क क्या है सर याद रखोगे यह एक प्रकार का मत्स्य है यह क्या है यह याद रखोगे यह एक पीसेस है याद रखोगे यह एक मत्स्य है और याद रखोगे कि ब्लू शार्क को क्या सर कहते हैं तो ब्लू शार्क को डॉल डौ, डॉकफिश कहते हैं याद रखोगे जो शार्क है यह डॉकफिश के नाम से जाना जाएगा याद रखिएगा कि कंप्यूटर विज्ञान में पीएचडी करने वाले पहले साइंटिस्ट कौन थे सर को जो कंप्यूटर विज्ञान जो आपका सर क्या है कंप्यूटर साइंस तो कंप्यूटर साइंस के अंदर पी करने वाले पहले साहब कौन थे जरा मुझे बताओ रवि कुमार मार्गदर्शन बढ़िया गायत्री कुमारी मार्गदर्शन के आरती बढ़िया शानदार जया राय महाकाल भक्त बढ़िया 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 कि कंप्यूटर विज्ञान में पीएचडी करने वाले साहब कौन थे द डॉक्टर राजा रेड्डी देखो तो देखो साहब जो डॉक्टर राजा रेड्डी थे यह सर क्या कंप्यूटर साइंस के अंदर क्या करने वाले थे सर पीएचडी करने वाले पहले ऐसे सर क्या साहब थे इस बात को आप सारे ही याद रखिएगा सर कंप्यूटर क्षेत्र में फोर जी एल एस क्या है सर वॉट इज द फोर जी एल एस इन कंप्यूटर सेक्टर छोटा बाइट सबसे अच्छा लेंगे सबसे अच्छी भाषा भाषा सिद्धांत पर आधारित या नई उच्च स्तरीय भाषा सर याद रखोगे सर क्या फोर जी एल एस क्या है सर फोर से चार जी से जनरेशन एल से लैंग्वेज और एस से सिस्टम यह क्या है सर यह फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज सिस्टम है और याद रखोगे सर देखो जो फोर जी एल एस होगा यह क्या सर यह एक नई उच्च स्तरीय भाषा होगी इट इज न्यू हाई लेवल होता है तो यह नई हाई लेवल है याद शानदार है धुआंधार है? बहतर है, है. है, है बताओ सर की डायोड में डायोड में जो धारा होती है वह कितनी दिशाओं में बहती है जरा मुझे बताओ जरा मुझे बताओ और एक बार सारे मिलकर सेशन को लाइक तो जरूर कर दो दोस्त क्योंकि लाइक और लाइव सर कहीं मैच नहीं कर रहा है तो डायोड डायोड बना दो सर आओ सर आपके सामने एक डायोड बनाता हूं डायोड क्या सर डायोड ये होता है और डायोड में जो धारा होती है वह एक दिशा में बहती है याद रखोगे और डायोड याद रखोगे यह या डिस्टकारी की तरह कार्य करता है यह किस पर कार्य करता है दोस्त तो यह पी जंक्शन पे कार्य करता है और डायोड की खोज किसने की थी हॉलनेक नाम के एक साहब थे जिन्होंने डायोड की खोज की थी अरे बेहतर है अरे बेहतरीन है अरे शानदार है अरे गदर ही काटोगे क्या अरे काटोगे ही क्या भाई धुआंधार बेहतर बेहतरीन जबरदस्त एकदम इशारिया लेवल का कि सर क्या कि एक गोलाकार एक घनाकार और एक वृत्ताकार प्लेट 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किए जाते हैं और ठंडे होने के लिए छोड़े जाते हैं उनमें कौन सा प्लेट सबसे जल्दी ठंडा होगा बताओ ना मेरे दोस्त कि उनमें वह कौन सा ऐसा प्लेट है जो सबसे जल्दी ठंडा हो जाएगा घनाकार है गोलाकार है वृत्ताकार है या इनमें से कोई नहीं कि गोलाकार घनाकार वृत्ताकार प्लेट 2000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किए जाते हैं तो ठंडे होने के लिए छोड़े जाते हैं तो उनमें कौन सा प्लेट सबसे जल्दी शीघ्रतम गर्म होगा वो सर याद रखोगे वृत्ताकार जो प्लेट होगी अरे वह प्लेट जो वृत्ताकार होगी वो सबसे जल्दी ठंडी हो जाएगी और वो सबसे जल्दी गर्म भी होगी याद रखोगे इस बात को सारे के सारे हमेशा 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 याद रखोगे नेक्स्ट देखो क्या कहता है कि अगर प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री है और अपवर्तन के बाद 30 डिग्री है तो माध्यम का अपवर्तन सूच, सर सूचक क्या होगा सर को जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या हो जाएगा सर आपतन कोण नब्बे डिग्री है और अपवर्तन के बाद सर कितना हो गया 30 सर कितना का विचलन आया सर 60 का विचलन आया 90 पे 60 का विचलन क्या लेके आएगा सर तो आप उस वैल्यू को निकाल लोगे और याद रखोगे सर क्या तो सर क्या तो यह 1.5 पॉइंट के सम आएगा याद रखोगे सर क्या तो जो आएगा अपवर्तनीय सूचक द रेफ्रेक्टिव इंडेक्स इज इट अप्रोक्स टू 1.5 होगा इस बात को याद रखेगा हमेशा हमेशा बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है अड्डा में आपसे पढ़ते थे कोर्स परचेस किया था बिल्कुल बढ़िया है प्लाज्मोडियम जम्स किसकी उत्पत्ति करते हैं वॉट डू प्लाज्मोडियम जम्स प्रोड्यूस सर कुछ जो प्लाज्मोडियम जम्स होते हैं किसकी उत्पत्ति करते हैं मलेरिया की सोने की बीमारी की हैजा किया इनमें से कोई नहीं सर कुछ जो प्लाज्मोडियम जम्स होते हैं वह किसकी उत्पत्ति करेंगे अरे किसकी 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 उत्पत्ति कर देंगे हाँ।, हाँ। जो प्लाज्मोडियम जम्स होते हैं बताओ सर

सर विकरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जा सकता है हाउ मच टेम्परेचर कैन बी मेजर बाई द रेडिएटिव पायरोमीटर बताओ सर वही दोस्त सर देखो जो क्या कहते हैं सर देखो जो विकरण पैरोमीटर से कितना तापक्रम मापा जा सकता है सर देखो जो विकरण देखो जो विकरण तापक्रम होता है उससे 500 से ऊपर डिग्री का आप सर क्या तापमान मापोगे क्योंकि 500 से कम पे होने सर क्या तो विकरण नहीं होगा याद रखोगे वहां पर तो 500 से नीचे का तापमान सर क्या मापने के लिए इसका प्रयोग नहीं करते याद रखोगे ठीक है बढ़िया है शानदार है बढ़िया है बेहतर बेहतर <coughs> है नेक्स्ट आ जाओ देखो नेक्स्ट क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विशिष्ट गुरुत्व ये क्वेश्चन है ठीक है नेक्स्ट आ जाओ भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है बताओ सर कि भारत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है सर द मोस्ट इंपॉर्टेंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स फॉर इंडिया इज सोलर एनर्जी इज टाइडल एनर्जी इज विंड एनर्जी इज न्यूक्लियर एनर्जी जरा मुझे बताओ सर वो कौन सा होगा बढ़िया बढ़िया बताओ सर बढ़िया बताओ सर सर क्या हो जाएगा आंसर 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 सो सो द द विल विल बी बी व्हाट याद रखो देखो दोस्तों जो सोलर एनर्जी है सोलर एनर्जी क्या है सर इट इज द मोस्ट सर क्या सुटेबल नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी याद रखेंगे ये कौन सी है सर तो यह आपकी सोलर एनर्जी हो जाएगी इस बात को आप याद रखेंगे बढ़िया है शानदार है धुआंधार है अरे आज तो तुमने तो दिल जीत लिया है ना आज दिल जीत लिया है ना

वह गेहूं हो जाएगा वो बीन्स हो जाएगा या वह आपकी मकई हो जाएगी जरा मुझे बताओ बढ़िया है सर तो ये क्या हो जाएगा सर ये आपकी बीन्स हो जाएगी याद रखोगे सर देखो जो बीन्स होता है बीन्स यह एक प्रकार की दलहनी फसल होती है यह एक प्रकार की लेगुनस प्लांट्स होता है और लेगुनस प्लांट्स देखो जो दलहनी फसलें होती हैं उनमें राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया निवास करता है और याद रखोगे वो राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया क्या करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देगा याद रखोगे है ना बढ़िया बेहतर है शानदार है गदर है धुआंधार है, है ना देखो आज हमें आज हमें एक सत्तर गए एक सत्तर बच्चे लाइव पढ़ाए ना आज कल दो सौ लेके आना है कल पूरी ताकत से आज भी तो ताकत आज तो देखो आज ताकत कम थी गुस्सा आ जाता था है ना आज की जो क्लास थी इसमें ताकत कम थी गुस्सा आया था और गुस्सा सर क्या क्या आप तो जानते ही हो गुस्ता कैसा होता है सर आपको पता ही होगा अरे वो तुम लोगों के लिए ना सर वही एक शेर में बड़ा बार बार पढ़ता हूँ मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया मेरे लिए ये। आज ये मेरे लिए है कि मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या क्या जिया दम है तो उसे पाकर दिखा कि मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया दम है तो उसे पाकर दिखा और लिख दे अपने कलम से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को ससुरी दम है तो मिटा कर दिखा तो भाई क्या मजा आ गया आज पढ़ा के आपको हाँ पूरी ताकत झोंक दी मैंने अपनी देखो देखो दोस्त आप सभी सर क्या बिहार सीजीएल की तैयारी कर रहे हो सर याद रखोगे सर क्या सर याद रखोगे सर क्या? बिहार सचिवालय सहायक भर्ती आप तैयारी कर रहे हो तो देखो अंतिम समय की सर क्या एक रामबाण मैराथन सर वो तेईस को आपका एग्जाम है और अंतिम समय की रामबाण मैराथन में आप सभी के लिए लेकर आ रहा हूँ तो याद रखोगे सर क्या विवेक कुमार सर आपके जीएस की क्लास लेके आएंगे रीजनिंग के लिए आदर्श सर रात के नौ बजे देखिए जुड़िएगा आठ बजे से सर क्लास चालू हो जाएगी नौ बजे आपके आदर्श सर आ जाएंगे और दस बजे सर देखो सबसे हैंडसम में

को अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो याद रखोगे दो सौ रुपए की बैच इसके भी है और याद रखोगे कि सर क्या अगर आप विवेक के कूपन कोड यूज करते हो तो यह आपको इतने रुपए में मिल जाएगा और सर आपको छह महीने का सब्सक्रिप्शन मिलेगा यहाँ पर याद रखोगे वहीं पर अगर मैं बात करूं तो बिहार सिविल कोर्ट जहां पर आपके प्यून की कोर्ट रीडर की सर क्या क्लर्क की और स्टैंडो की भर्ती आई हुई है अगर आप इस भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो याद रखोगे तो आपके लिए सर ये बैच मात्र और मात्र सर क्या दो सौ में कहीं रिद्धि सिद्धि उद्धि कुछ भी नहीं जाना सर बस पढ़ाई करना है इतनी कम फीस में और आपको छह महीने का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा कूपन कोड आप विवेक के लगा लेंगे और मैक्सिम डिस्काउंट को अवेल कर लेंगे अब देखो ये जो बैच है आपको दिया क्या जाएगा तो पंद्रह से अधिक वीडियो कोर्सेस है साढ़े से अधिक

नहीं जुड़ा है सर आप में में जुड़ वाला हूं और सर क्या आप जाओगे टेक्स्ट बुक डॉट कॉम पे और देखो जैसे आप सर क्या टेस्ट बुक डॉट कॉम पे जाओगे सर क्या आपको जाना होगा सर कहां पे तो आपको जाना होगा सुपर कोचिंग में सुपर कोचिंग में जैसे आप जाओगे सर देखो यहाँ पे आपको क्या सर

के का इस्तेमाल करके आप सर क्या इस अप्लाई कर दोगे और यह बैच आपको मात्र और मात्र क्या टू सिक्सटी नाइन रुपीज में मिल जाएगी तो आज ही जाओ इस बैच को परचेस करो और सिलेक्शन को इंश्योर करो टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल जय हिंद वंदे मातरम थैंक यू सभी का थैंक यू है थैंक यू है थैंक यू है